हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लखनाजो इंग्लिश एकेडमी। कैसे सभी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिकी वोकैब्स के बारे में, यानी आज हम पुनः इंग्लिश के 5 महत्वपूर्ण वर्ड सीखेंगे, साथ में हिंदी जानेंगे। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, नीचे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है। इस सभी सेंटेंस में इन सभी वर्ड्स को फिल करेंगे और एग्जैक्टली इसे सीखने का एकदम 100% चैलेंज अपने आप से करेंगे। तो आइए सबसे पहले वर्ड्स को जानते हैं, हिंदी जानते हैं और सभी वर्ड्स को इसमें फिल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला वर्ड है दोस्तों कैमेराडरी, CAMARADERIE, जो कैटेगरी से नाउन है और इसका उच्चारण होता है दोस्तों कैमेराडरी। कैमेराडरी का अर्थ होता है मित्रता यानी फ्रेंडशिप, या इसका अलग हिंदी भी होता है सौहार्द। मैं इसका हिंदी लिख देता हूं सौहार्द, ठीक है। तो कैमराडरी का अर्थ होता है कैटेगरी से नाम, इसका मतलब होता है मित्रता। आगे का जो वर्ड है वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस जो कैटेगरी से एडजेक्टिव और इसका अर्थ होता है अच्छे गुण वाले। नेक्स्ट है सॉलिसिटस, सॉलिसिटस SOLICITOUS, सॉलिसिटस कैटेगरी से एडजेक्टिव और इसका अर्थ होता है चिंता जताने वाली मित्रता, वैसी मित्रता जो आपके दुख दर्द को इससे समझ सके। आगे वर्ड है रिसॉल्व, RESOLVE, रिसॉल्व जो कैटेगरी से वर्ब है, इसका अर्थ होता है समस्या को सुलझाना। आखिरी वर्ड है पांचवा कैच फ्रेज, CATH PHRASE, कैच और फ्रेज PHRASE, कैच फ्रेज का अर्थ होता है बार बार दोहराया जाने वाला कथन यानी स्टेटमेंट। तो ये सभी वर्ड्स को इस सेंटेंस में फिल करते हैं। तो दोस्तों दिया है ऐसी क्या, तो ऐसी मित्रता, और मित्रता का मैंने वर्ड क्या सीखा, तो कैमेराडरी, CAMARADERIE, कैमेराडरी ऐसी मित्रता जो क्या हो, तो अच्छे गुण वाली हो, तो यानी वर्चुअस हो, VIRTOUS, वर्चुअस का अर्थ होता है अच्छे गुण वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोहराएंगे इसे सीखने के लिए, हो एवं चिंता जताने वाली मित्रता हो, यानी सॉलिसिटस, SOLICITOUS, ठीक है। सॉलिसिटस का अर्थ होता है चिंता जताने वाली, चिंता जताने वाली। और आगे का जो वर्ड है दोस्तों, और साथ में पांचवा वर्ड या चौथा वर्ड यहां फिल करेंगे रिसॉल्व, RESOLVE, का अर्थ होता है समस्या को सुलझाना, समस्या को सुलझाना। और आगे बढ़ते दोस्तों, हो तो वह मित्रता क्या होता है, वह मित्रता कैच फ्रेज होता है, तो CATCHPHRASE, कैच फ्रेज का मैंने लिखा था हिंदी, मैं हिंदी यहां लिखता हूं बार बार दोहराए जाने वाली, ठीक है कथन। तो आइए पहले हम इसको रिपीट करते हैं और सीखते हैं आसानी से। मैंने लिखा यहां पे ऐसी मित्रता यानी कैमेराडरी, ऐसी मित्रता ऐसी कैमेराडरी जो क्या वर्चुअस हो, यानी उसमें अच्छे गुण हो, अच्छा क्वालिटी की मित्रता हो, एवं उसमें सॉलिसिटस हो, यानी आप अपने दोस्त से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप समस्या में हो, दिक्कत परेशानी आपके साथ हो या आप कोई तनाव में हो, तो क्या हो, चिंता जताने वाली की फ्रेंडशिप होनी, यानी आपको हर दुख दर्द में ये काम है, तो सॉलिसिटस हो और साथ में रिसॉल्व भी हो, यानी आपके समस्या को सुलझाने वाली मित्रता हो, तो वह मित्रता लोगों के बीच में, लोग दूर दूर से आपके मित्रता के बीच में तारीफ करेंगे, यानी कैच फ्रेज करेंगे। कैच फ्रेज का मतलब होता है बार बार दोहराया जाने वाला कथन। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं आपको पुनः बताने का एहसास करूंगा कि ऐसी मित्रता यानी कैमेराडरी जो वर्चुअस हो, यानी कि अच्छे गुण वाली हो, एवं चिंता जताने वाली मित्रता हो, और साथ में रिसॉल्व हो यानी समस्या को सुलझाने वाली मित्रता हो, तो वह मित्रता लोगों के बीच में काफी पॉपुलैरिटी रखती है, लोग उसको बार बार याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं, कैच फ्रेज करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात दोस्तों, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कृष्ण और सुदामा जी का मित्रता कितना बेहतरीन था, लोग आज तक वो चीज को अपने किताबों के साथ साथ अपने जुबा पिलाते रहते हैं,
यानी जब भी अगर मित्रता का एक अच्छा उदाहरण देना होता है तो कृष्ण और सुदामा का मित्र दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आपकी मित्रता भी होनी चाहिए नाउडेज। सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इसका सुविधा हो, और साथ में दोस्तों आप इस तरह के वोकैब सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल लखराजू इंग्लिश अकेडमी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप जाकर के वहां से आसानी से वो चीज को ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और साथ में दोस्तों यदि आप हमारा पहला बार वीडियो देख पा रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बाकी के वीडियोस देखना ना भूलें, और साथ में दोस्तों अपने मित्रों और अपने दोस्तों के आपस बीच में इसे जरूर शेयर करते रहे ताकि वीडियोस बढ़ते रहे और हम लोग भी बढ़ते रहे। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद।